हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी फैक्ट। और दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कोई इमेज डाउनलोड करते वक्त प्रॉब्लम आती है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, या फिर कोई और एरर शो करता है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने बताया है कि आप कैसे किसी भी इमेज को बिल्कुल सिक्योरली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है, और आपको वहाँ पर कोई भी जिस इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको यहाँ से उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद गूगल आपको उस पेज के ऊपर ले जाएगा। उसके बाद आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इमेजेस, आपको इस वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से उस इमेज को सेलेक्ट करना है जिस इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से इस वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो आपको अपने माउस की राइट वाली की को दबाना है, और अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको अपने टच पैड की राइट वाली की को दबाना है। जैसे ही आप राइट वाली की को दबाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और इन ऑप्शंस में आप नीचे जाकर देख सकते हैं एक ऑप्शन है सेव इमेज एस, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद ये आपसे आपकी लोकेशन पूछेगा कि आप अपनी इमेज को कौन सी लोकेशन के ऊपर सेव करना चाहते हैं। आप यहां से किसी भी लोकेशन के ऊपर सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूं, ताकि मैं इसको बाद में बड़े ही इजीली एक्सेस कर सकूं। जैसे ही मैं यहां से सेव करूंगा, हमारी इमेज डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको बाहर डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ डेस्कटॉप पर आया, और आप देख सकते हैं कि मेरी डाउनलोडेड इमेज यहाँ पर शो होने लगी है। चलिए मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज यहाँ पर इजीली डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों, आप इस तरह से किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।